हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जून 2019 के करंट अफेयर को, जो कि हमारा मंथली सेशन चलता है मास्टर इन करंट अफेयर का। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वहाँ से आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाए ऑटोमेटिक, जो कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि कौन सा वीडियो सर अपलोड किए हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा वन लाइनर्स को, जो कि आपका करंट अफेयर का वन लाइनर्स एमसीक्यू है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग माइका के जून के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चर्चित व्यक्तियों के ऊपर। तो पहला प्रश्न है, देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो MR कुमार को नियुक्त किया गया है LIC के अध्यक्ष के रूप में। किसको DC सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जो अमेरिका में सबसे शक्तिशाली पीठों में एक है? तो नाओमी राव को DC सर्किट कोर्ट ऑफ द अपील के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। संतोष झा को कहां पर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उज्बेकिस्तान में संतोष झा को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्रालय, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध हिंदी न्यूज रीडर का निधन हो गया? तो विनोद कश्यप का हाल ही में, जो प्रसिद्ध हिंदू न्यूज रीडर थे, मतलब कि न्यूज़ पढ़ते थे, उनका निधन हो गया, विनोद कश्यप का। 2022 तक स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिनेदिन जिदान को नियुक्त किया गया है। मिजोरम में नवगठित लोकायुक्त के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो जो लोकायुक्त बने हैं पहला, जो मिजोरम में, वो कौन है? सी लालवासा को मिजोरम के पहले न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में, लोकायुक्त के रूप में गठित किया, शपथ दिलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 बार के विश्व चैंपियन साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से थी? तो वो अमेरिका देश से थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नागेश ठाकुर को नियुक्त किया गया है। किशन दान देवल को कहां पर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आर्मेनिया के राजदूत के रूप में, भारत का जो राजदूत है आर्मेनिया में नियुक्त किया गया है किशन दास को। मोहम्मद सतेत को कहां के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो फिलिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद सतेह को नामित किया गया है। हाल ही में किस पूर्व कांग्रेस सांसद का निधन हो गया? तो सुंदरलाल तिवारी जो सांसद थे, पूर्व कांग्रेस सांसद, उनका हाल ही में निधन हो गया। 4 घंटे से भी कम समय में महिलाओं की 50 किलोमीटर की रेस वॉक स्पर्धा पूरी करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो लियू एच वो बन गई है 50 किलोमीटर रेस की वॉक स्पर्धा को पूरी करने वाली पहली महिला, जो कि 4 घंटे से भी कम समय में पूरी कर लिए हैं 50 किलोमीटर। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनर धनंजय कुमार का हाल ही में निधन हो गया, वह किस निर्वाचन क्षेत्र से संसद के पूर्व सदस्य थे? तो वो थे मंगलोर के पूर्व संसद के सदस्य थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुंबले को नियुक्त किया गया है। उड़ीसा के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अजीत सिंह को
उड़ीसा के पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। एक अग्रणी ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदाता ने भारत परिचालन के लिए अनिवार्य मुखर्जी को CEO नियुक्त किया है, उसे पेयू के लिए नियुक्त किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार। तो पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास में उनके योगदान के लिए यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रघुराम राजन को यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है आर्थिक विकास में योगदान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी प्रमुख हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया? तो 47 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से, प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है राष्ट्रपति जो हमारे हैं रामनाथ कोविंद जी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो केत तनाका को सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटीज गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 से टीवी सिनेमा स्पोर्ट्स की श्रेणी में जीता है, कितना स्थान जीत लिया? तो प्रथम स्थान जीत लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वर्ष 2018 के लिए आकर और क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है? तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार जीता है। अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति द्वारा स्थापित भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? तो अभिनंदन वर्तमान जो है वो बन गए हैं भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, वयोवृद्ध मराठी कवि और लेखक वसंत आबाजी दहके को प्रतिष्ठित जनस्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह पुरस्कार किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान के द्वारा स्थापित किया गया है। दोस्तों अब हम लोग योजना और लॉन्च को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, 10वें वर्ष के लिए सबसे अधिक रहने योग्य शहरों का मर्सर सूचकांक में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो वियना को दिया गया है। प्रकाशन विभाग के महानिदेशक साधना राउत, सूचना और प्रसार मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विक्रम सहाय ने किस शहर में पुस्तक मेले में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया? तो लंदन में किया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में निर्मित श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना अटल आधार योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019 के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो यह है पल्स पोलियो का कार्यक्रम जो है 2019 के लिए शुरू किया है। स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसरो ने शुरू किया है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जो स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री थावर चंद्र गहलोत ने कहां पर दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली पर उद्घाटन किया है। किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग शुरू किया है? तो ये असम राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रणाम आयोग का शुरुआत किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा सरकार ने कितने की लागत से दूरदराज क्षेत्रों के अस्पतालों में मरीजों को फेरी लगाने के लिए एक नाव एम्बुलेंस की सेवा शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार ने 5.40 करोड़
रुपए की लागत से दूरदराज के क्षेत्रों में जो अस्पताल हैं उस पर फेरे लगाने के लिए एक नाव एम्बुलेंस की सेवा को प्रारंभ किया है। हाल ही में नेशनल एक्शन प्लान वायरल हेपेटाइटिस किसने लॉन्च किया है, तो अश्विनी कुमार चौबे ने नेशनल एक्शन प्लान वायरल हेपेटाइटिस लॉन्च किया है। दोस्तों अब हम लोग राष्ट्रीय और राज्य के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, कौन सा शहर देश का पांचवा साइंस सिटी होगा, तो ये है झाझरा। झाझरा जो है देश का पांचवा साइंस सिटी होगा। वित्त मंत्री जो हमारे हैं अरुण जेटली, अभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनिंदा भाषणों का संग्रह करके सबका साथ सबका विकास पुस्तक का विमोचन किया है। जो ये पुस्तक है सबका साथ सबका विकास, इसका विमोचन किसने किया है, तो ये अरुण जेटली ने किया है। राष्ट्रीय महिला आजीविका मीट 2019 कहाँ आयोजित की गई, तो ये वाराणसी में आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल कॉर्प के LNG आयात टर्मिनल को तमिलनाडु के एन्नोर में राष्ट्र को समर्पित किया, इस संयंत्र में निवेशित राशि क्या था, तो 5,150 करोड़ रुपए था इस संयंत्र में निवेशित राशि। नेक्स्ट प्रश्न है, IRDA और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत पर संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है, किस शहर को केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसरे सीधे वर्ष के लिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो ये इंदौर शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सरकार ने सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को कहाँ स्वीकृति दी है, तो ये ग्वालियर में स्वीकृति प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने की लागत पर खेतड़ी जिले में हरियाणा के मनेठी में एक नया एम्स स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान किया है, तो 1,299 करोड़ रुपए की लागत पर खेतड़ी जिले में जो हरियाणा में पड़ता है मनेठी में एक नया एम्स की स्थापना करने का स्वीकृति प्रदान कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच गुमशुदा और घोषित बच्चों पर लिपलाइन रिपोर्ट का उपयोग करने के लिए एक समझौते पर स्वीकृति किया है, तो अमेरिका और भारत ने जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो लिपलाइन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि गुमशुदा और शोषित बच्चों पर रिपोर्ट बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक वेब पोर्टल जो है उसका उद्घाटन किया, जो राज्य संचालित है और सरकार प्राप्त स्कूलों पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करेगा, जो कि राज्य का जितना भी संचालन होगा उसका और सहायता प्राप्त स्कूलों पर वास्तविक समय का डेटा प्रदान करेगा। वो कौन सा है, तो बांगर शिक्षा वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं JP नड्डा ने नई दिल्ली में चौथे वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारत में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये है युद्ध स्मारक नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ड्स इन द गार्डन उत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया नई दिल्ली में। अब हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में। तो पहला प्रश्न है, अल नहरा तृतीय 2019 भारत और किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये भारत और ओमान के बीच का एक सैन्य अभ्यास है अल नहरा तृतीय। किस देश ने एक दीर्घकालीन वीजा की घोषणा की है जो पेशेवरों, उद्यमी और अत्यधिक प्रतिभाशाली छात्रों को 10 वर्ष तक रहने की अनुमति देता है, तो संयुक्त अरब अमीरात जो है देश जो है दीर्घकालीन वीजा की घोषणा की है जो पेशेवर हैं उद्यमी हैं जो उद्योग में काम करते हैं और जो अत्यधिक प्रतिभाशाली क्षेत्रों में जो 10 वर्ष तक रहने की अनुमति दी। संयुक्त राज्य अमीरात ने दीर्घकालीन वीजा की घोषणा किया है देने की घोषणा किया है। तृतीय भारतीय जापान साइबर संवाद कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये टोक्यो में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने सिंगल लाइन साइकिल पैरेड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया,
तो ये CISF ने बनाया है सिंगल लाइन साइकिल पैड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। संयुक्त राष्ट्र भारत ने नए खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO के महानिदेशक के पद के लिए किस नीति आयोग का सदस्य नामित किया है, तो ये रमेश चंद्र का नाम नामित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स वर्ल्ड की अरबपति सूची में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है, तो ये मुकेश अंबानी की रैंक है 13वीं। अल नहरा तृतीय भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है, तो ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तृतीय भारत जापान साइबर संवाद कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है टोक्यो में। एथिस्फियर इंस्टीट्यूट द्वारा किस कंपनी को वर्ष 2019 के लिए विश्व की सबसे नैतिक कंपनियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये टाटा इस्पात को दिया गया है। किस फर्म ने देश में सभी अटल टिंगरिंग लैब्स में डिजिटल साक्षरता और रचनात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए सहयोग करने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन में साथ भागीदारी किया है, तो एडोब ने। हुनर ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 के अनुसार मुकेश अंबानी वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे अमीर सूची में शामिल हो गए हैं, इस सूची में शीर्ष पर कौन है, तो जेफ बेजोस जो हैं, जो अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, वो है प्रथम स्थान पर है। व्यायाम समृद्धि 2019 किन दो देशों के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रयास का 8वां संकरण है, तो थाईलैंड और बांग्लादेश का 8वां संकरण है यह। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो मुहम्मद बुहारी को चुना गया है नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में। भारत इटली संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग की 20वीं बैठक कहां आयोजित की गई है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं, जो ये उमर अल बशीर जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो वे हैं सूडान के। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद में 46वां स्तर कहां आयोजित किया जाएगा, तो ये अबू धाबी में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2017 में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को भ्रष्ट दृष्टिकोण बनाने का दोषी पाए जाने के बाद ICC ने UAE स्थित कोच इरफान अंसारी को 10 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे फिनेंशियल अवेयरनेस को यानी कि वित्तीय जागरूकता का करंट अफेयर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, रिजर्व बैंक 3 वर्षों के लिए बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्था के माध्यम से अमेरिकी डॉलर की कितनी लंबी अवधि की तरलता प्रेषित करेगा, तो ये 5 अरब। राकेश मखीजा को किस बैंक ने 3 वर्ष के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो एक्सिस बैंक का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राकेश मखीजा को। ब्रांड सेबी ने कॉरपोरेट ब्रांड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश पर कितने निवेश की सीमा को वापस ले लिया है, तो 20% की सीमा को वापस ले लिया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना सबसे बड़ा सोना का भंडार है, तो 11वीं, भारत जो है 11वीं सबसे बड़ा सोना का भंडार है। भारत सरकार के साथ आंध्र प्रदेश ग्रामीण सड़क परियोजना के वित्त पोषण के लिए 455 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर किसने हस्ताक्षर किए हैं, तो SEI अवसंरचना निवेश बैंक ने। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ किस बैंक ने एक बैंक इंश्योरेंस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि UBI ने हस्ताक्षर किए हैं। किस नवीनतम वेतन सूचकांक के अनुसार देश में महिलाएं जो हैं पुरुष की तुलना में 19% कम कमाती हैं, तो ये मॉन्स्टर वेतन सूचकांक के अनुसार जो है महिलाएं पुरुषों की तुलना में 19% कम
कमाती है, यानी कि उनकी इनकम 19% कम है। जापानी ब्रोकरेज नोमरू की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP वृद्धि 2019-20 में कितने प्रतिशत रहने की संभावना है, यह है 7% 19-20 में रहने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट से संबंधित निर्देशों और नियमों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और कैनरा बैंक पर कितना कुल जुर्माना लगाया है। टोटल जुर्माना 10 करोड़ लगाया है। RBI ने किस देश के साथ $75 बिलियन के द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर करने की का काम पूरा किया है, जो देश में विदेशी मुद्रा और पूंजी बाजार में अधिक स्थिरता लाने में मदद करेगा। तो ये जापान के साथ किया है। किस बैंक ने विदेशी हिस्सेदारी की सीमा को वर्तमान 43% से बढ़ाकर 45% करने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने। इंदिरा नुई किस कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल हुई है, तो ये वीरांगना कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल हुई है इंदिरा नुई। नेक्स्ट प्रश्न है, जल सुरक्षा और सतत विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए नए दृष्टिकोण विकसित करने के लिए 20 मिलियन पाउंड की परियोजना पर काम करने के लिए UK रिसर्च एंड इनोवेशन के साथ किसने साझेदारी की है, तो ये IIT दिल्ली ने साझेदारी किया है। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला और SIDBI ने 500 करोड़ तक 5 वर्ष की कार्यकाल में महिला आजीविका बंधन शुरू करने पर सहमति व्यक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए किस बैंक ने $113 मिलियन की वित्त पोषण के लिए जर्मनी के KfW विकास बैंक के साथ समझौता किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा समझौता किया है। भारत और किस देश ने पर्यटन और प्रसारण सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के लिए 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये सऊदी अरब और भारत ने किया है। अब हम लोग स्पोर्ट्स यानी कि खेल के कुछ करंट अफेयर को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, 12वीं हीरो आई लिंक फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है, तो चेन्नई सिटी ने जीता है। किस वेबसाइट होस्टिंग कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ आगामी पुरुष क्रिकेटर विश्व कप के लिए आधिकारिक प्रायोजक के रूप में अपनी साझेदारी को घोषणा किया है, तो गोडैडी ने किया है। 5वीं साफा महिला चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये किया जाएगा नेपाल में। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो चैन यूफेई ने जीता है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब केंटो मोमाता ने जीता है। सिंगापुर में संपन्न हुई लेजर एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के लिए लेजर स्टैंडर्ड रेस में कांस्य पदक किसने जीता है, तो ये उपमन्यु दत्ता ने जीता है। हेलसिंकी फिनलैंड में 38वीं GB बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो कविंदर सिंह बिष्ट ने जीता है। योनेक्स सनराइजर इंडिया ओपन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। नोरोबी में हमवतन अमन फरोग संयम को हराकर केन्या ओपन फ्यूचर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ये राहुल भारद्वाज ने जीता है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में अपने करियर का 100वां ATP यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल सिंगल टेनिस खिताब किसने जीता है, तो रोजर फेडरर ने जीत लिया है। नेपाल के सेना अध्यक्ष COAS ओपन मैराथन और रन फॉर फन की 10 किलोमीटर की दौड़ काठमांडू में किसने जीत लिया है, तो शशांक शेखर ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलो वर्ग्राम में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो गुलाम नवी ने जीता है। अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, DRDO ने उड़ीसा तट से दूर
ITR चांदीपुर से स्वदेशी तौर पर विकसित QRSAMs का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो QRSAM का पूर्ण रूप क्या है? तो क्विक रिच सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है इसका QRSAM का पूर्ण रूप है। ऊर्जा और पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ हुआ था? चुनौतियों और अवसर ENCO 2019 का उद्घाटन हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। 14वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। 14वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। अब हम लोग कुछ विविध करंट अफेयर को देख लेंगे। तो पहला प्रश्न है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडिया कांग्रेस 2019 कहाँ आयोजित की गई जाएगी? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। कितने देश इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य हैं? तो ये 57 सदस्य हैं इस्लामिक सहयोग संगठन के। 10 मार्च को किस अर्धसैनिक बल ने अपना 50वां संस्थापक दिवस मनाया, स्थापना दिवस मनाया? 10 मार्च को किस अर्धसैनिक बल ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 10 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने। जिमी जॉर्ज इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में जिमी जॉर्ज इंडोर स्टेडियम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019-20 को विनिर्माण तकनीकी का वर्ष घोषित किया है। मन की बात ए सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये अरुण जेटली ने किया है। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान अभी केंद्रीय कौशल विकास मंत्री हैं। टाइटन वाला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये इंडिया में स्थित है। वाणिज्यिक उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री अभी कौन है? तो ये है सुरेश प्रभु। वाणिज्यिक भी हैं, उद्योग भी हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री भी ये कौन है? सुरेश प्रभु है। वेस्ट टू वंडर पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा शहर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक त्यौहार अटुकल पोंगाल की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा तिरुवनंतपुरम। कौन सा शहर जो है दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक त्यौहार जो है अटुकल पोंगाल की मेज़बानी करेगा? तो ये करेगा तिरुवनंतपुरम। अब हम लोग कुछ डेज को देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट डे हैं, महत्वपूर्ण तिथि और दिवस को देख लेते हैं। तो पहला जो तिथि है वो क्या है, 21 मार्च जो है हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में। 23 मार्च को मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में। 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में। 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में। और 10 अप्रैल को मनाते हैं होम्योपैथिक दिवस 2019, ये 10 अप्रैल से चालू हुआ है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2019 10 अप्रैल से चालू हुआ है। 11 अप्रैल को हुआ है, देखिए क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस को मनाते हैं 11 अप्रैल को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तिथि और दिवस थे जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो जो याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कुछ पुस्तक को। अब हम लोग कुछ पुस्तक और लेखक को देख लेंगे। तो पहला पुस्तक है अगेन बट बेटर, इसको लिखा है क्रिस्टाइन रिक्यो ने लिखा है अगेन बट बेटर। दूसरी पुस्तक है बेल्ट एंड रोड, इसको लिखा है ब्रूनो मैकेस ने लिखे हैं इसे बेल्ट एंड रोड को। तीसरी पुस्तक है जलियावाला बाग जो किम एंड वैगनर ने लिखे हैं ये हैं, इन्होंने ही लिखे हैं जलियावाला बाग को। और जो नेक्स्ट बुक है वो क्या है, द वर्डिक्ट जो है वो लिखे हैं प्रणव राय ने लिखे हैं द वर्डिक्ट को। और आखिरी बुक है, पांचवी बुक, बी आर डिस्प्ले
बीआर डिस्प्ले, ठीक है, इसको लिखे हैं मलाला यूसुफ जाई ने, जो कि इनका तस्वीर यहाँ पर दिया हुआ है मलाला यूसुफ जाई का।